दिवाली नाश्ते के नमकीन सीरीज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मठरी पूरी। जब भी मठरी पूरी का नाम आता है तब हमें लगता है कि वो मैदे से ही अच्छी बनती है, लेकिन आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की मठरी पूरी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो उसी के लिए हम ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और 2 बड़े चम्मच घी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप घी का ही यूज़ कीजिए। तो मैंने 2 बड़ी चम्मच घी लिया है। तो इस तरह हम हाथों से शेप देंगे, तो हमारा जो शेप है वो होल्ड होना चाहिए, उतना घी डालना है हमें। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो जब भी आप मठरी पूरी बनाएंगे तब उसमें घी या तेल डालने में कंजूसी मत करना, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना ताकि पूरियाँ बहुत अच्छी बने। अब आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छे से रेस्ट हो गया है, हमें इसे ज़्यादा रेस्ट करने के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इससे हम इक्वल साइज़ के 4 बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो जो भी बॉल्स तैयार करेंगे ना इस पूरी के लिए, वो हमें इक्वल साइज़ के ही बनाने हैं, क्योंकि इसमें से जो रोटियाँ बनेंगी वो भी हमें इक्वल साइज़ की ही बनानी है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारी रोटियों को बेल लेती हूँ। तो रोटियाँ हमें गोल नहीं बेलनी है, लेकिन एकदम पतली रोटियाँ बेलनी है। अगर गोल नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन पतली होना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी पतली बनानी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी और उतनी ही पतली हम उसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसे हाथ में लिया तो अपना हाथ है वो इस तरह से दिखाई देता है, तो इतनी पतली ही हम बनाएंगे। तो इसी तरह हम सारी रोटियां बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी रोटियां तैयार कर ली है। अब एक रोटी ले लेंगे, उस रोटी पर हम बटर अप्लाई कर देंगे। तो मैंने बटर लिया है, आप बटर की जगह ऑयल या तो घी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि बटर से या तो घी से पूरियाँ बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए आप बटर या घी का ही इस्तेमाल करें। अब अच्छी तरह से इस पे बटर लगा लेंगे, एकदम पतला सा ही लेयर हमें लगाना है, बहुत ज़्यादा बटर नहीं लगाना है। बटर लग जाए उसके बाद हम इसमें सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। सूखा आटा स्प्रिंकल करने से जब पूरियाँ बनाएंगे तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से खिल के आएंगे। अब उस पर लगा देंगे दूसरी रोटी। तो इस तरह की सेम प्रोसेस हमें 3 बार करनी है। तो दूसरी रोटी पे भी हम बटर और सूखा आटा लगा देंगे। अब जो लास्ट वाली रोटी बची है उस पर हम सूखा आटा और बटर अभी नहीं लगाएंगे। उस पे बटर और सूखा आटा लगाने से पहले हम एक बार अच्छी तरह से उसे बेल लेंगे, क्योंकि 4 रोटियां हमने एक साथ इकट्ठा की है तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। तो उसे थोड़ा सा बेल लेना है और थिकनेस को एडजस्ट कर लेना है। तो उसकी जो थिकनेस है वो करीबन हम भाखरी बनाते हैं और भाखरी की जो थिकनेस रहती है बस उतनी ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। अब मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसे बेल लिया है। अब जो ऊपर की रोटी है उस पे भी हम बटर और स्प्रिंकल कर देंगे सूखा आटा। अब एकदम कॉर्नर से हमें रोटी को इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है और एक रोल तैयार कर लेना है। लेकिन रोल तैयार करते वक्त हमें खास ध्यान रखना है कि एकदम टाइट रोल तैयार करना है। अगर थोड़ा सा भी खुला रह गया तो पूरियाँ जब हम फ्राई करेंगे तब उसके पट ऑयल में ही खुल जाएंगे और अच्छी नहीं बनेंगी। थोड़ा मैंने इस तरह से बेल लिया है ताकि एकदम परफेक्ट शेप आ जाए इसका। अब हम इसके राउंड राउंड शेप लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे करीबन 1 इंच की थिकनेस के सारे राउंड कट लगा लिए हैं। तो राउंड बॉल्स हम इसका तैयार कर लेंगे और उसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, इसे रख देंगे थोड़ी देर साइड के लिए। तो इस तरह से हम राउंड शेप कट करने के बाद इसे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए ड्राई होने देना है, क्योंकि बटर लगाया है। कट करने के बाद हम डायरेक्ट ही इसे बेलेंगे तो अच्छी तरह से ये नहीं रोल होगी और जो बटर है वो भी चिपकता रहेगा हमारे बेलन के साथ। तो करीबन 10 मिनट के बाद हम इसे बेल लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा सूखा आटा आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। अब इस तरह हम एकदम छोटे छोटे साइज़ की सारी पूरियाँ
एकदम हल्के हाथों से बेल लेंगे। पूरियां बेलने के बाद हमें डायरेक्टली उसे फ्राई नहीं करना है, पूरियों को भी करीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि ये थोड़ी सी सूख जाए, पूरियां थोड़ी सी सूख जाए। उसके बाद आप इसे फ्राई करेंगे तो वो जल्दी से भी फ्राई हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे फ्राई होगी। तो इस तरह से मैं सारी पूरियां सबसे पहले बेल लेती हूँ, और जब भी आप पूरियां बेलें तब एक के ऊपर एक नहीं रखें, सारी पूरियों को आप अलग अलग ही रखें ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो हमारी पूरियां तैयार हो चुकी है और मैंने इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रख दिया था। अब इसे हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी साइड को चेंज करते हुए हमें फ्राई करना है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वो बाहर से तो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और जो क्रिस्पीनेस हमें चाहिए वो क्रिस्पीनेस भी इसमें नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरियां अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। इसे निकाल लेंगे और बाकी की पूरियां हम फ्राई कर लेंगे। तो हमें एक साथ ज़्यादा पूरियां नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी पूरियां ही डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरियां बहुत ही अच्छी और एकदम क्रिस्पी बनी है।